हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आपके साथ, मैं हूं अपूर। मेरे साथ मौजूद है रोहित जुगलान और अपडेट आ रही है, तीन बड़ी अपडेट आ रही हैं और इस तीन में सबसे पहले आपको पहली अपडेट देते हैं ओपनिंग को लेकर। दो दिन बचे हैं बस कल का और फिर परसों तो खैर मैच शुरू ही हो जाएगा, तो फिर इतने कम समय में आपको पता होता है कि आप अपनी टीम को बना लेते हैं, खिलाड़ियों को बता देते हैं आप परसों खेल रहे हो। और वही जो खबर हमारे पास आ रही है, ओपनिंग शुभमन गिल का तय है और सामने होंगे मयंक अग्रवाल, ये दो खबर आ रही हैं। और इसके बाद भी नीचे वाली भी कई अपडेट हैं जो कौन नंबर चार पर खेलेगा, कौन नंबर सात पर खेलेगा, लेकिन ये आपको लगता है, क्योंकि आप कह रहे थे, मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, रोहित उस दिन कह रहे थे कि मुझे लगता है कि गिल को ओपन कराना चाहिए। हाँ, तो लेकिन अभी तय हो गया है कि शुभमन गिल करेंगे ओपनिंग, तो सही है। वही चीज है, मतलब शुभमन गिल को कल जो हमने बात की थी कि शुभमन गिल को बैटिंग ऑर्डर में सबसे पहले भेजा गया, तो वो एक तरह से एक निर्देश दे रहा था कि एक मैसेजिंग थी वो कि क्या शुभमन गिल ओपन करेंगे। मैं अभी भी मानता हूँ कि पता नहीं, टीम का कॉल है और वो निश्चित तौर पर हम लोगों से बहुत बेहतर जानते हैं और जो उनका कॉल होगा वो निश्चित तौर पर बहुत स्पॉट ऑन होगा। लेकिन हमने देखा है अपूर्व इस टीम को गलतियां करते हुए, इस टीम को इन्होंने लॉर्ड्स में डार्क क्लाउड्स के ऊपर इन्होंने कुलदीप यादव को ग्राउंड पे उतार दिया था, बाद में इन्होंने वापस आकर कहा था कि हमसे गलती हो गई। तो इस टीम ने सिलेक्शन पे गलतियां की है, ऐसा नहीं है कि गलतियां नहीं की है। अभी भी अगर आप पूछें और एक्सपर्ट्स की माने, हम नहीं कह रहे कि हम एक्सपर्ट हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि द ग्रेट सनी गावस्कर हों या फिर एलन बॉर्डर हैं वहां पर, माइकल वॉन इंग्लैंड से, कह रहे हैं कि केएल राहुल हैज डन इट हियर, उन्होंने प्रूव किया हुआ है। तो एक खिलाड़ी जिसने प्रूव किया है खुद को और ओपनिंग में आकर सेंचुरी लगाई है, सिडनी में उनका शतक है, तो फिर और मेलबर्न और सिडनी आमतौर पर एक ही तरह का पाटा है, थोड़ा सा है ना, वो उतना कंडीशंस एक ही तरीके की है, तो आप भाई भाई कह सकते हैं दोनों को, तो उस लिहाज से एक तरह से एज होता। लेकिन लेट्स सी, क्या पता अगर शुभमन गिल भी टैलेंट है, बढ़िया कर रहे हैं, टाइम मैंने आपको कल बताया भी था कि कैसे उन्हें सीम पे पढ़ाकर बॉलिंग प्रैक्टिस करवा रहे थे वो थ्रोइंग आर्म से, तो वो चीजें ये बता रही थी कि वो ओपन करने जा रहे हैं, तो अब तय हो गया कि वो ओपनिंग करेंगे, देखते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि क्या पता लास्ट में फिर कोई अचानक से, हाँ, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी एक सरप्राइज फैक्टर रखें, केएल राहुल आ जाए मयंक अग्रवाल के साथ, आप उम्मीद कर सकते हैं वो, लेकिन अभी तक तो खबर यही है कि गिल ओपनिंग कर रहे हैं। आप बताइए, प्रैक्टिस सेशन में मयंक अग्रवाल के साथ वही आ रहे हैं, तो आप बताइए क्या ओपनिंग ही आना चाहिए, आप लोग सहमत हैं इस बात से या फिर आपको लगता है नहीं, उनको मिडिल पे लाइए आप और केएल राहुल से ओपनिंग करवाइए। जो भी आपका मानना है कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।